Hello students, in this video we are going to continue our topic of talk. तो क्या बताया था लास्ट क्लास लास्ट वीडियो में टॉक के बारे में कि टॉक होता है ट्विस्टिंग इफेक्ट, फोर्स के ट्विस्टिंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टॉक बोलते हैं, सही है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, हाउ कैन यू इंक्रीज और डिक्रीज द ट्विस्टिंग इफेक्ट। ठीक है, मीन्स तुम्हें किसी बॉडी में ज़्यादा ट्विस्ट लेकर आना है, ज़्यादा टर्न लेकर आना है, ठीक है, या कम टर्न लेकर आना है, तो कैसे करोगे? तो उसके लिए देखो क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो फर्स्ट फैक्टर देखो, फॉर एग्जांपल ये मार्कर मैंने इस तरह से होल्ड किया हुआ है, ठीक है, तो इस पर मैंने फोर्स अप्लाई की तो ये टर्न हुआ, सही है। तो इस पर स्मॉल फोर्स लगाने पर क्या होगा, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ टर्न लेगा, ठीक है, बट इस पर अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊँ, है ना, ज़्यादा फोर्स लगाऊँ तो ये ज़्यादा टर्न ले रहा है। स्मॉल फोर्स पे कैसे टर्न ले रहा है, स्मॉल टर्न ले रहा है, और ज़्यादा फोर्स लगाने पे क्या हो रहा है, ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर इज अप्लाइड फोर्स, ठीक है, तो मोर इज द अप्लाइड फोर्स मोर विल बी द टर्निंग इफेक्ट, और लार्जर द अप्लाइड फोर्स मोर विल बी द टर्निंग इफेक्ट और टॉर्क, मोर विल बी द टर्निंग इफेक्ट, ठीक है, और टॉर्क। तो एक फैक्टर तो टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, या ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट, या ज़्यादा टर्न लेने के लिए, ज़्यादा बड़ा टर्न लेने के लिए फर्स्ट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, अप्लाइड फोर्स, सही है। इसके अगर और एग्जांपल देखें तो सपोज कोई स्ट्रेट रोड है, ठीक है, स्ट्रेट रोड में कर्व आया लाइक दिस, ठीक है, तो दो रोड्स हैं सपोज, एक रोड तो ये है, ये फर्स्ट रोड है और ये सेकेंड रोड है, ठीक है, दिस वन इज सेकेंड रोड। तो टर्न कहाँ पे ज़्यादा लेना पड़ रहा है, यहाँ पर ना, तो जो व्हीकल है, ठीक है, जैसे सपोज अगर कोई कार ड्राइव कर रहा है तो यहाँ पर स्टेयरिंग को हल्का सा मूव करेगा और टर्न ले लेगा, ठीक है, बट इस सेकेंड रोड के लिए टर्निंग इफेक्ट क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा, उस टर्न इस सेकेंड रोड पे टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा लेना पड़ेगा, इसके लिए फोर्स भी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। इस पर क्या होगा, स्टीयरिंग को पे स्मॉल फोर्स लगा के, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार मूव कर रही थी सपोज, ठीक है, तो जो ये कार मूव कर रही है इसको कोई ना कोई सपोज कंट्रोल कर रहा होगा स्टीयरिंग व्हील की हेल्प से, ठीक है, तो स्टीयरिंग व्हील को हल्का सा टर्न करने पर इसमें टर्न लिया जाएगा, बट यहाँ देखो टर्न कैसा है, बहुत शार्प टर्न है ना, तो स्टेयरिंग व्हील को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा रोटेट करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि जो फोर व्हीलर है वो इजीली टर्न ले सके, ठीक है, सही है। तो जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट होगा, ठीक है। सपोज अगर ये मेटल की सपोज कोई रोड होती, पतली सी मेटल की रोड होती, तो इसको हम ट्विस्ट करते, है ना, सपोज ऐसे फोर्स लगा के इसे ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर ये मेटल रोड होती, ठीक है, हल्का सा मेटल है कि बेंड हो जाए, ठीक है, तो अगर इसको पे फोर्स लगाएंगे तो स्मॉल फोर्स पे क्या होगा, इसमें स्मॉल चेंज आएगा, स्मॉल शेप में चेंज आएगा, पहले ऐसे थी, ठीक है, दोनों तरफ से फोर्स लगाई तो स्मॉल फोर्स पे क्या होगा, स्मॉल चेंज आएगा इस तरह से, बट अगर लार्ज फोर्स अप्लाई कर देते हो तो क्या होगा, इस तरह से भी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमने अप्लाइड फोर्स कम थी तो इसमें शेप चेंज क्या है, बहुत कम शेप में चेंज आया, ओरिजिनल के आसपास था, ठीक है, ये ओरिजिनल शेप है सपोज, थोड़ा सा फोर्स लगाया तो ये स्लाइटली बेंड हुआ, और ज़्यादा फोर्स इंक्रीज कर दो तो ये मेटल रोड क्या हो गई, ज़्यादा बेंड हो गई, सही है। तो जितना ज़्यादा अप्लाइड फोर्स होगा
उतना ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगा, टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, सेकंड फैक्टर जिस पे टॉर्क डिपेंडेंट है या टर्निंग इफेक्ट डिपेंडेंट है वो क्या है वो देखते हैं। ठीक है, सपोज ये मार्कर है और इस पे मैं इस तरह से फोर्स लगा रही हूँ तो ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, टर्न ले रहा है ना, ऑसिलेट होना चाहिए, ये कंप्लीट रोटेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑसिलेट कर रहा है ना यहाँ पे, मतलब अगर इस पे फोर्स लगे दोनों आर्म पे तो ये इस तरह से क्या करेगा, रोटेट करेगा। सही है, या इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो जस्ट लाइक दिस ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हुआ, अगर ये मार्कर पेन है, ठीक है मार्कर पेन है, तो ये जो डॉट है ना, इससे पास होती हुई एक इमेजिनरी लाइन, वो क्या हो जाएगा, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। सही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड। सही है, ये मार्कर पेन था, इस पर फोर्स ऐसे लग रही है। ठीक है, ये सपोज इस तरह से रोटेट कर रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका, इसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, सपोज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट था, ए पॉइंट ले लो इसे। ठीक है, अब क्या हुआ, सपोज इस मार्कर पेन पे ना ये ऐसे प्लेस था और फोर्स ऐसे लग गई, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है सपोज। ठीक है, क्या लग रही है, ये एफ डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। सही है, अब ये फोर्स की क्या शो कर रखी है हमने, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती ना, कितना मर्जी उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये फोर्स की डायरेक्शन, यानी हम आगे तक कितना मर्जी एक्सटेंड कर दें। सही है, आगे तक हमने पूरा एक्सटेंड कर दिया, तो फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एक लाइन ऐसे पास कर रही है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इस फोर्स पे क्या डालेंगे हम, परपेंडिकुलर लेंगे। ठीक है, हाँ एक और चीज़ देखो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी उसी को हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया ना। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ठीक है, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी को क्या कर दोगे, एक्सटेंड कर दोगे। ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कर लोगे। जैसे अगर ये मार्कर पेन था, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, मान लो फोर्स ऐसे लग रही है, फोर्स ऐसे लग रही है, तो इस पर हमने इंक्रीज कर दिया ना, तो ये जो लाइन दिख रही है स्ट्रेट लाइन, ये क्या है हमारे पास, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सही है, तो सेकंड फैक्टर जिस पे ट्विस्टिंग इफेक्ट डिपेंड करता है, सेकंड फैक्टर क्या है ट्विस्टिंग इफेक्ट को अफेक्ट करने के लिए, कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये था, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इस पे हमने क्या ड्रॉप किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक है, तो ये पॉइंट ए था, ये परपेंडिकुलर सपोज यहाँ बी पॉइंट पे ड्रॉप हुआ। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉप हुआ, बी पॉइंट पे, तो ए बी को बोलेंगे हम, ए कौन सा पॉइंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर एक पॉइंट ले रखा है, उससे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे हमने क्या ड्रॉप कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो जो ये ए बी लेंथ था ये ना, इसको बोलेंगे हम लीवर आर्म। ठीक है, लीवर आर्म इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन, लीवर आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये जो लीवर आर्म की लेंथ जितनी भी ज़्यादा होगी ना, उतना ट्विस्टिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है,
ये जो डिस्टेंस है ये क्या होना चाहिए, ए बी डिस्टेंस। ए बी को क्या बोलेंगे, लीवर आर्म बोलेंगे। और लीवर आर्म क्या है, फ्रॉम द एक्सिस डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये ए बी क्या है, यहाँ पर लीवर आर्म है, सही है। तो ये लीवर आर्म की वैल्यू, ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा ट्विस्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो जो जब डोर ओपन या क्लोज करते हैं ना, तो उसका हैंडल किस तरफ लगा हुआ होता है। जैसे एक तरफ से डोर अगर हिंज्ड है, ये यहाँ से डोर हिंज्ड है, हिंज मतलब यहाँ पे स्क्रूज लगे हुए हैं जो इसको फ्रेम से अटैच कर रहे हैं। ठीक है, तो जो डोर के हैंडल वगैरह है वो इस एंड पे लगे हुए होते हैं ना, कभी भी यहाँ पे तुम्हें हैंडल नहीं मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे होते हैं, एक एंड पे होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो डोर ओपन करने के लिए या क्यों क्लोज करने के लिए तुम फोर्स लगाओगे, सही है। तो फोर्स कैसे लग रही है, देखो सपोज ये डोर ऐसे ओपन हो रहा है, ऐसे ओपन हो रहा है, तो फोर्स ऐसे लग रही है। ठीक है, तो ये जो डोर है वो कैसे रोटेट करेगा, लाइक दिस, सही है। देखो डोर ओपन करने के लिए हमने ये क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, जैसे इसको इस तरह से पुल कर रहे हैं सपोज, तो फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया, तो ये जो डोर है वो इस तरह क्या करता, कंप्लीट रोटेशन लेता। ठीक है, तो ये फोर्स लग रही है हमारे पास, और यहाँ से ये जो लाइन दिख रही है ना, ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, सही है। तो हैंडल वगैरह यहाँ क्यों लगाते हैं, अब ये देखो ये फोर्स और ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, सही है। ये क्या है, यहाँ से हिंज्ड है ना, देखो अगर कोई डोर है इसको हम इस तरह से ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, तो कौन से एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ये एक्सिस होगा ना, ये एक्सिस के अबाउट इसमें क्या होगी, रोटेशन होगी, सही है। तो फोर्स हमने लगाया इस तरह से, सही है, फोर्स हमने यहाँ पे लगाया डोर पे, फोर्स यहाँ पे लगाया, हैंडल को पुल करके फोर्स लगाया। ठीक है, तो रेड जो मार्कर है वो किसको शो कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ब्लैक मार्कर है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है रेड वाला, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा ना, उतना ट्विस्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उतना ही क्या प्रोड्यूस होगा, ट्विस्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, सही है। तो फर्स्ट फैक्टर इज अप्लाइड फोर्स की ट्विस्टिंग इफेक्ट ज़्यादा लेकर आने के लिए फोर्स अब ज़्यादा अप्लाई करो, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है एंड ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया ना, ये जब तुम डोर ओपन करने के लिए फोर्स लगा रहे हो, तो ये क्या हो गया, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है दैट इज़ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये जो डिस्टेंस है ना मैक्सिमम कब होगा, जब जो डोर के हैंडल्स हैं वो किधर हो, इस एंड पॉइंट पे प्रेजेंट हो। ठीक है, डोर के इस एंड पॉइंट पे प्रेजेंट हो, ना कि मिडल में या यहाँ पर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ये लीवर आर्म का डिस्टेंस होगा, लीवर आर्म क्या था, एक्सिस ऑफ रोटेशन से अप्लाइड फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस प्रेजेंट होगा लीवर आर्म का, उतना ही ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। थैंक यू।